वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक्स साथी। आज के इस क्विक टैक्स अपडेट में दो नए टैक्स अपडेट निकल के आ रहे हैं। पहला है इनकम टैक्स को लेके, दूसरा है जीएसटी को लेके। इनकम टैक्स को लेके अगर हम बात करें तो वो है आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को लेके। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हुई है 46 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, जिसमें ये डिसस किया गया है कि आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को क्या गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी करेगी या नहीं करेगी। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिसस करने वाले हैं। साथ में हम डिसस करेंगे जीएसटी रेट चेंजेस को लेके। तो जीएसटी रेट चेंज जो होना वाला है टेक्सटाइल सेक्टर पे, तो उसको लेके भी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अपडेट यहाँ पे प्रेस रिलीज जारी की है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ में मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड या कोई भी इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड क्वेरी कमेंट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आपको फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, तो एंजल ब्रोकिंग के थ्रू आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। साथ में रेफर के भी आप खुद भी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में जो 46 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया है आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को लेके अपडेट, कि क्या ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बताया कि 3 बजे तक, आज 3 बजे तक टोटल जो आईटीआर रिटर्न यहाँ पे फाइल हुए हैं वो हुए हैं 5.62 करोड़। आईटीआर रिटर्न जो है ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं, और आज सिर्फ आज के दिन अभी तक जो है 20 लाख रिटर्न जो है वो गवर्नमेंट की डेटा के अकॉर्डिंग फाइल हुए हैं, जिसमें कि लास्ट 1 आवर के अंदर 3.44 लाख आईटीआर जो है गवर्नमेंट की डेटा के अकॉर्डिंग फाइल हुए हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि आईटीआर फाइलिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथली मैनर में हो रही है, जिसकी वजह से 1 घंटे के अंदर 3.44 लाख रिटर्न जो है वो यहाँ पे फाइल हुए हैं। अब बात आती है कंपैरिजन की, जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है कि लास्ट ईयर टिल 30 दिसंबर जो था आपका, टिल 30 दिसंबर आपकी जो आईटीआर रिटर्न यहाँ पे फाइल हुए थे 4.83 करोड़ हुए थे, लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल टिल 30 दिसंबर आपका जो रिटर्न फाइल हुए हैं वो 5.43 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 60 लाख रिटर्न जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हाईएस्ट जो है यहाँ पे रिटर्न फाइल हुए हैं, जिसमें कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि 12 बजे तक और 20 से 25 लाख रिटर्न जो है गवर्नमेंट भी यहाँ पे फाइल होने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे गवर्नमेंट रख रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को एक्सटेंशन को लेके जो यहाँ पे मांग की जा रही है, उसके लिए कोई भी सच रीजन, कोई भी ऐसा वैलिड रीजन नहीं मिल रहा है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट यहाँ पे ड्यू डेट को एक्सटेंड करे। तो अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली यहाँ पे बोल दिया है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो है वो गवर्नमेंट एक्सटेंड नहीं करेगी। अगर यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होगी तो हम सभी को यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइलिंग में लग जाना चाहिए। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड होने की चांसेस गवर्नमेंट ने यहाँ पे ना के बराबर बताए हैं। साथ में गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि लास्ट ईयर टिल 31 दिसंबर जो थे आईटीआर फाइल हुए थे 4.93 करोड़, जो कि ऑलरेडी करंट ईयर के कंपेरिजन में बहुत कम है, और ऑलरेडी 3 बजे तक जो रिटर्न यहाँ पे फाइल हो चुके हैं वो यहाँ पे 5.62 करोड़ रिटर्न जो है वो फाइल हो चुके हैं, और गवर्नमेंट आवरली बेसिस पे जो रिटर्न फाइलिंग हो रहे हैं उस पे चेक रख रही है, उसको मेजर कर रही है, मॉनिटर कर रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंशन का जो अपडेट है वो आने के आसार यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है 46 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। अब बात करते हैं जीएसटी में जो अपडेट आया है जीएसटी रेट को लेके, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में कल से एप्लीकेबल होने वाली है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या अपडेट दिया है। जीएसटी में अपडेट की बात करूं तो यहाँ पे रिकमेंडेशन, जो कि 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डेट जो जीएसटी रेट है उसको बढ़ाने का रिकमेंडेशन दिया गया था, उसके लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन आई है 46 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। जो एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट है टेक्सटाइल सेक्टर पे वो यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाली है 1 जनवरी 2022 से, जिसमें कि 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये कहा गया था कि 1 जनवरी 2022 से आपकी जो जीएसटी रेट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट, और न्यू जीएसटी रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बड़ा रिलीफ, बड़ा डेफरमेंट जो यहाँ पे किया है टेक्सटाइल सेक्टर के
हार्डशिप को देखते हुए कि जो एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट है 5% वो ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखने का बोला है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, ईमेल कर सकते हैं, हमारी पेज सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगता है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। कोई भी टॉपिक है आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।